दोस्तों नमस्कार, आज हम आए हैं बिहाइंड द व्हील्स में कुछ यूनिक सा लेके और बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग के साथ में। सबसे पहले आपको 15 अगस्त की शुभकामनाएं, अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत। हमारे साथ में है कुछ जो हमारी आर्म फोर्सेस यूज़ करती हैं। जी हाँ, हमारे पास है अशोक लेलैंड का गन टोइंग व्हीकल GTV 6x6। इसका वीडियो आज तक आपने कहीं नहीं देखा है। हाँ जी, ये हम एक्सक्लूसिवली लेके आए हैं आपके लिए। दूसरी चीज़, इस गाड़ी के बारे में क्या कुछ खास है, क्यों इसको आर्मीज यूज़ करती हैं, क्यों इसको सेलेक्ट किया जाता है और क्या सारी इसकी कैपेसिटीज़ हैं। आप और मैं इसको खरीद नहीं सकते क्योंकि हम लोग सिविलियंस हैं। एक्सक्लूसिवली फॉर आर्म फोर्सेस बनाया जाता है, सिर्फ मिलिट्री खरीद सकती है या फिर इसको कोई ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन खरीद सकते हैं जो कि किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में है। अब क्या इसमें खास है, कैसा ये अलग है, क्या इसकी ताकत है, क्यों इसको सेलेक्ट किया जाता है हमारी फोर्सेज के अंदर और क्यों इसके इतने सारे ऑर्डर्स अशोक लेलैंड के पास में हैं, क्यों ये चल रहा है, क्या सारी चीज़ें, उन सब के बारे में बात करेंगे और देखेंगे किस तरह से हमारी आर्म फोर्सेज ऐसे ट्रक्स को लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करती हैं। एक्स वाई जेड सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जितना दिखा सकता हूँ उतना दिखाऊंगा। दो एक्सल पीछे है, एक एक्सल आगे है, यानी कि टोटल 6 चक्के लगे हैं। 6 के 6 चक्कों में पावर जाती है 350 हॉर्स पावर के नेप्ट्यून इंजन से, जो बनाता है लगभग 1400 न्यूटन मीटर का टॉर्क, यानी कि बहुत ज़्यादा ताकत। इसके अलावा अगर बात करें तो नॉइस स्पीड का इसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलते हैं। फिलहाल हमारे पास जो गाड़ी है वो मैनुअल गियरबॉक्स के साथ में है। 2 स्पीड का आपको इसमें जो है वो कहीं ना कहीं एक ट्रांसफर केस गियरबॉक्स भी मिलता है, यानी कि हाई और लो रेंज आपको मिलती है। क्या सारी बातें हैं इस गाड़ी के बारे में हम बात करेंगे। 15 अगस्त पे हमारी ये खास पेशकश आपके लिए प्रस्तुत है, तो अगर आपने अब तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ में पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अशोक लेलैंड के GTV 6x6 के साथ में। हम खड़े हैं अशोक लेलैंड की GTV 6x6 के साथ में। सबसे पहले तो आपको इस गाड़ी के हेडलैम्प्स बड़े पसंद आने वाले हैं। यहाँ पर आपको 3 सेट ऑफ हेडलैम्प्स मिलते हैं, एक्चुअली मिलते तो 4 हैं, बट कैसे 4 मिलते हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो, ये वाला जो पर्टिकुलर हेडलैम्प है ये आपको लो बीम के लिए है, ये वाला पर्टिकुलर हेडलैम्प जो है वो हाई बीम के लिए है। ये वाला जो हेडलैम्प है वो प्रोजेक्टर बेस्ड है बट ये फॉग लैम्प की तरह काम करता है। जब फॉग लैम्प जलाते हो तो ये वाला सिर्फ जलता है। ये आपको कैटाई रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जो है कहीं ना कहीं दिखेगी इंडिकेटर। अब चौथा वाला जो है वो ब्लैकआउट लैम्प होते हैं, यहाँ लगे हुए हैं। क्या होता है कि जब आपकी गाड़ी, मान लो किसी को आपको ऐसा करना है कि आपको गाड़ी दिखनी नहीं चाहिए, विजिबिलिटी से बाहर हो जानी चाहिए, तो सिर्फ ये वाले जो है लैंप जलते हैं। यहाँ पे छोटे से मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे हाथ के ऊपर, ये आपका नेम प्लेट के लिए होता है या फिर गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन मार्क होता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए होता है, जो आर्मी वाले अप एरो के साथ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ये दोनों आपके कहलाते हैं टोइंग आई और ये बीच में आपका टोइंग हुक है, यहाँ से आपको चढ़ने के लिए थोड़ा सा लेटर दिया हुआ है। ये बम्पर जो है वो अच्छा लगता है, ओवरऑल अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया इसकी शो लगती है। ये कलर बड़ा प्यारा लगता है मुझे तो, इस कलर का मैं पर्टिकुलरली फ़ैन हूँ। GTV लिखा गया है, GTV का फुल फॉर्म गन टोइंग व्हीकल है। 6x6 लिखा गया, यानी कि जितने 6 व्हील्स हैं सबके सब में पावर ट्रांसफर होती है, इंजन की पावर सब के सब में जाती है। ऑल टाइम 6 व्हील ड्राइव होता है, आप इसको फुल व्हील ड्राइव में डाल ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है वो। तो यहाँ पे अशोक लेलैंड का बड़ा सा लोगो मिलता है, अंदर ब्लैक पियानो है, बहुत अच्छा लगता है। अशोक लेलैंड का जो है कहीं ना कहीं लोगो है, ये ओपन हो जाता है, ये ब्लैक जितना पार्ट आपको दिख रहा है ये ओपन हो जाता है, और ये जब ओपन हो जाता है तो अंदर की तरफ यहाँ पे आपको जो है क्लच के लिए दिखता है कि क्लच मेंटेनेंस, बीच में आपको असेंबली दिखेगी AC वाली, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अदर मेंटेनेंस वाली चीज़ें दिख जाती है। रेडिएटर बिल्कुल बीच में लगा हुआ है, बहुत ही बढ़िया तरीके से लगा हुआ है। अगर बात करें दोस्तों गाड़ी के अप्रोच एंगल की तो 35 डिग्री का है, 35 डिग्रीज का इसका अप्रोच और डिपार्चर एंगल भी 35 डिग्री का ही है, यानी कि बहुत ज़्यादा। हाँ, आपको गाड़ी को चला के दिखाएंगे ग्रेडियंट पे। दूसरी चीज़ आप देखोगे तो 400 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है और ये बहुत ज़्यादा वाटर वेडिंग कर लेता है। हम इसकी वाटर वेडिंग भी आपको जो है वो करके दिखाने वाले हैं। सामने की तरफ आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलती हैं, बहुत बड़ी हैं, बहुत लंबी है, और आप देखोगे तो ये कम्प्लीटली, चूँकि डिफरेंशियल आगे वाले एक्सल में भी आ जाता है, फिर भी स्टेयरेबल एक्सल है, तो यहाँ पे आपको यहाँ की तरफ स्टेयरिंग असेंबली दिख जाती है। इसमें इमरजेंसी स्टेयरिंग सिस्टम आता है, यानी कि अगर आपका जो मेन स्टेयरिंग सिस्टम है, पावर स्टेयरिंग सिस्टम है, अगर ये एनी हाउ किसी भी कंडीशन में फेल हो जाए तो हमारी नॉर्मल गाड़ियों की तरह गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, गाड़ी कहीं जाएगी नहीं, तो हमारा जो ऑक्सिलरी स्टेयरिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं काम में आ जाता है। मतलब जो उस स्टेयरिंग सिस्टम का भी बैकअप स्टेयरिंग यहाँ पे मिलता है, मतलब कि वो चीज़ फेल प्रूफ, सेफ प्रूफ हो जाती है। ये आप वैसे तो इसमें इंडियन फ्लैग लगा सकते हो, बट जब कैमो फ्लैग लगाते हैं, बाहर कहीं ले जाते हैं कपड़े वपड़े डालने के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अटैचमेंट दिए होते हैं। बाकी अगर आप बात करो तो यहाँ पे एक सेल्फ रिकवरी विंच आती है और ये दूसरी गाड़ियों को भी टो कर सकती है। मतलब सीधी बात है कि इसके अंदर से केबल निकलेगी, उस केबल से आप गाड़ी, अगर ये आपकी फंस गई, इस गाड़ी को खुद को खींचना है तो आपने किसी पिलर में फंसा दिया या किसी भी चीज़ में फंसा दिया, उससे ये अपने आप रोल होगी तो आप जो है चीज़ों को देख पाओगे, तो वहाँ पे बेटर हो जाएगी। दूसरी गाड़ी को भी पकड़ के खींचना है तो वो चीज़ सारी चीज़ें हो जाती है, और ये आपको तब भी हेल्प करती है जैसे मान लो गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गया, गाड़ी को आपको एक जगह दूसरी जगह ले जानी है, आपने क्रेन पे इन दोनों को टांगा
गाड़ी को जो आप ले जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं आगे से। विंडशील्ड बहुत बड़ी है, बहुत बढ़िया लगता है। अभी मैं थोड़ी देर में चलाने वाला हूँ इसको, तो आपको चला के दिखाऊंगा कितना बढ़िया लगता है। वाइपर वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं ऊपर की तरफ आपको। प्रॉक्सिमिटी लैंप्स वगैरह जैसे हमने देखे हैं सारे अब तक वैसे ही मिलते हैं। और इसके बाद अब अगर बात करोगे तो यहाँ पे रियर व्यू मिरर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको फ्रंट प्रॉक्सिमिटी मिरर, साइड प्रॉक्सिमिटी मिरर यानी कि साइड में क्या सारी चीज़ें आ रही हैं वो भी दिख जाएगा। फुट स्टेप्स वगैरह बढ़िया है आपको, देखो यहाँ पे जो है आपको इजीली मट्टी वट्टी नहीं फंसेगी, क्लीनिंग वगैरह में इजी रहेगा, ओवरऑल आपकी चीज़ें बढ़िया रहेंगी। टायर्स बहुत खास होने वाले, क्यों खास होने वाले, पहली बात तो ये 14-20 के टायर हैं यानी कि बहुत बड़े टायर्स हैं। दूसरी बात इनका चौड़ाई भी ज़्यादा होता है, इनकी साइड वॉल भी ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़ अगर ये टायर पूरी तरीके से पंचर हो जाए यानी कि रन फ्लैट हो जाए तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये गोट टायर आप पंचर में भी चलाओ तो भी आपका कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं होगा मतलब ये टायर रिम से बाहर नहीं आएगा। एनी हाउ आप देख रहे हो ये व्हील कैप की तरह कुछ लगा रखा है, इसके पीछे लगा हुआ है हमारा एक सिस्टम। ये सिस्टम क्या करता है मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा कि टायर में 20 डिग्री PSI से लेकर 90 डिग्री PSI तक, 120 डिग्री PSI तक जो भी आपकी रिकमेंडेड नॉर्म्स होते हैं, जितना आपको टायर प्रेशर चाहिए उस पर्टिकुलर टायर प्रेशर में प्ले करता है। मतलब ये टायर अगर पंचर हो जाए तो दिखा देगा आपको अंदर की टायर पंचर हो गया, और खुद से हवा भर सकता है ये। हर टायर हर स्पीड के हिसाब से, हर मोड के हिसाब से, आप रेत में चला रहे हो, आप सैंड में चला रहे हो, राजस्थान में चला रहे हो, जैसलमेर में चला रहे हो, उस हिसाब से होगा। अगर आप कहीं और चला रहे हो यानी कि मान लो कि लद्दाख में चला रहे हो, अगर सरफेस पर चला रहे हो, तो उस हिसाब से चीज़ें होती हैं। पीछे की तरफ मैंने आपको बताया था पैराबोलिक लीफ सस्पेंशन मिलती है, यहाँ पे आपको एक बड़ा सा एयर फिल्टर मिलता है। बड़ा मतलब मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल देख के समझ लो जितनी बड़ी स्माइल है उतना बड़ा एयर फिल्टर है, क्योंकि आपको चलाना है इसको रेगिस्तान के, राजस्थान के उन जगहों पे जहाँ पे रेतीले तूफान आते हैं, ऊपर की तरफ से आपको एयर इनटेक वगैरह मिलती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक टैंक वगैरह जो है यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ बैटरी लगी है, दो बैटरियाँ लगी होती हैं 12 और 12 सीरीज़ में मिला के 24 वोल्ट ओवरऑल करंट बनाती है। टोटल 8 प्रेशर टैंक गाड़ी के अंदर है, दो यहाँ दिखेंगे, 4 यहाँ दिखेंगे, 2 आपको अंदर की तरफ दिखेंगे, तो टोटल 8 प्रेशर टैंक इस गाड़ी में होते हैं। तो अगर आपको, चूँकि सोल्जर्स जो होते हैं बैटल फील्ड में जाते हैं जहाँ भी जाते हैं पानी की बड़ी समस्या आती है, तो यहाँ पे आप पानी स्टोरेज करके ले जा सकते हो। पीने वाला जो पानी है वो आप यहाँ से लोड करोगे और इसको निकालने के लिए यहाँ से जो आप इसको निकाल भी सकते हो, तो ये पर्टिकुलरली आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये इसके मडगार्ड्स वगैरह हैं, काफ़ी बड़े हैं। पीछे जो आपका टैंडम एक्सेस दोनों दिखते हैं, इनके बीच में आपको बोगी सस्पेंशन मिलता है, नॉर्मल सस्पेंशन नहीं मिलता है। नीचे की तरफ आपको दोनों बैलेंसिंग रॉड्स मिल जाती हैं जो कि कमाल की चीज़ है। चैसी दोस्तों लगभग 8.5-8.5 मोटी है और कमाल की चैसी है, एकदम रिजिड चैसी है, बेहद ही ज़्यादा शानदार। वो ओवरऑल चीज़ें वहाँ से भी होती हैं जिस हिसाब से माउंटिंग वगैरह होती है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा शानदार की गई हैं। और अगर चूंकि मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस व्हीकल की, एक ऐसे व्हीकल की जो कि नाटो के नॉर्म्स के तहत वहाँ से स्टैंग नॉर्म्स के तहत आता है यानी कि स्टैंडर्ड एग्रीमेंट में जो लिखे हुए नॉर्म्स हैं, तो इसकी क्वालिटी में कोई सवाल ही नहीं होता, कहने की भी ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल अगर आप बात करोगे गाड़ी के बारे में, तो यहाँ पे जो आपको कैब दिखेगा तो ये आपका ड्राइवर्स कैब हो जाता है। फिर यहाँ पे आप 6 लोगों को ले जा सकते हो, इसके अंदर हम भी जाएंगे अभी, तो यहाँ पे आपके 6 लोग बैठ सकते हैं, या आप 6 लोग से मतलब 6 ट्रूप्स बैठ सकते हैं, या फिर 4 लोग इसमें सो सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे बात करोगे तो ये सॉफ्ट टॉप के साथ में, बट इसके बारे में खास बात ये है कि पूरा डिसमेंटल हो जाता है यानी कि इसको आप पूरी तरीके से निकाल सकते हो। ये पूरी तरीके से देखो यहाँ से आप देख पाओगे तो ये फटाफट से जो है निकल जाता है, और इसको निकालने के बाद इसमें आप इजीली लोड कर सकते हो, कोलैप्स कर सकते हो, जिस हिसाब से आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसको देख सकते हो। अब हम चलते हैं गाड़ी में पीछे की तरफ। दोस्तों हम आ गए हैं GTV के बीच वाले पोर्शन में। अब बीच वाले पोर्शन में जब आप आओगे तो यहाँ पे 4 लोग बैठ के जा सकते हैं, 6 लोग बैठ के जा सकते हैं और 4 लोग जो है वो स्लीप कर सकते हैं। ये बर्थ जो है हैंग हो जाती है जैसे हमारी रेलवे की बर्थ होती है, इन हुक्स के मदद से, इसके मदद से। तो अगर तो आपको लेट के भी जाना है, लॉन्ग जर्नीस है, तो वहाँ पे आप लेट के जा सकते हो। यहाँ पे आपको एयर कंडीशनिंग यूनिट है कम्प्लीटली, और ये यहाँ से ऑन होती है, मीनवाइल इस पर्टिकुलर स्विच से ये ऑन होती है। पीछे की तरफ आपको 2 लैंप्स मिलते हैं, एक वहाँ लैंप मिलता है, एक यहाँ लैंप मिलता है। इसके अलावा क्योंकि आपका कनेक्शन रहना चाहिए केबिन से, ड्राइविंग केबिन से, और ड्राइविंग केबिन का यहाँ कनेक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक टेलीफोन मिलता है। तो ये आपको जो है एक टेलीफोन मिलता है, तो ये पर्टिकुलर टेलीफोन आपको हेल्प करता है कनेक्शन के लिए, और कनेक्शन के लिए कहाँ हेल्प करता है, केबिन के अंदर। तो आप इंटर कनेक्टेड रह सकते हैं पीछे से, यहाँ से और यहाँ से। इसके अलावा जो हमारी पर्टिकुलरली इन बर्थ्स की बात करो तो कंफर्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं है, सफोस्टिकेशन नहीं है, क्योंकि आप बीच में बहुत सारे आर्म्स लेके जा सको या बहुत सारी चीज़ें लेके जा सको, इसके लिए बीच में इतनी सारी स्पेस दी हुई है। यहाँ पे भी देखोगे आप कवरिंग वगैरह जो मटेरियल वगैरह लगाया हुआ है वो बढ़िया चीज़ है। ऊपर की तरफ अगर आप बात करोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे एक लैच दे रखा है, इस लैच को अगर आप जाओगे तो इस लैच से ऊपर जा सकते हो, फायर कर सकते हो, फायर करने के अलावा यहाँ से गन वगैरह माउंट भी कर सकते हो, मशीन गन वगैरह माउंट करके चला सकते हो। एक पर्टिकुलर चीज़ जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि आपकी जो गन होती है, तो आप ऐसा था नहीं पूरे टाइम बंदूक लेके ही बैठोगे, तो बंदूक होल्ड करने के लिए यहाँ पे, गन होल्ड करने के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से चीज़ें दी गई हैं। नीचे की तरफ भी आपको बैट जो नीचे का पर्टिकुलर एरिया होता है उसके लिए दी हुई है। यहाँ पे आप नीचे बंक स्टोरेज है, तो इसके अंदर आपका एम्यूनेशन का वो सामान है, जो भी आपका सामान है वो रख सकते हो, बड़े बड़े जो आपके बॉक्सेस हैं, बक्से जो हैं वो आप बीच में रख सकते हो। इसके अलावा बात करो तो यहाँ पे अगर आप जो है ओपन बर्थ है, तो इस ओपन बर्थ में आप चीज़ों को
तो इस ओपन बर्थ में जो आपको यहाँ पे आपके जो भी सामान है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। पीछे की तरफ देखने के लिए यहाँ पे जो है दिया हुआ है शीशा, यहाँ भी आपको शीशा दिया हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ से भी देख पाते हो उस मैस ग्रिल की, तो आपको फ्रंट तक का दिखता है, मतलब यानी आप अवेयर रहते हो यहाँ से भी। ये जो है कहीं ना कहीं स्लाइडिंग विंडोज हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ से सिर्फ डोर खोलने के लिए है, ये आपका ओवरऑल केबिन का ये गेट जो है वो लॉक करने के लिए। ध्यान रखो ये वो गाड़ी नहीं है जो आपकी बैटल फील्ड तक जाएगी, यानी जंग लड़ने डायरेक्ट गाड़ी जाएगी। ये वो गाड़ी है जिससे कि आप अपनी गन टो करके ले जाने वाले हो, यानी कि गन आपकी जो पर्टिकुलरली जाएगी उसको आप टो करके ले जाने वाले हो। ये दोस्तों शारंग और धनुष को टो करने के लिए स्पेशली बनाया गया। कुछ चीज़ें जो इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, पहला है इसका रूप हैच, दूसरा है आपका पीछे और इधर देखने की क्षमता, तीसरी है आपके यहाँ गन माउंट करने की जगह, यहाँ पे आप गन माउंट कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि चार के साथ छः भी लेके जा सकते हो, तो छः में आपको दो गन्स आप यहाँ भी माउंट कर सकते हो। तो ओवरऑल इस तरह से चीज़ें होती हैं। और अगर आप बात करो तो यहाँ पे आपको कुछ बेल्ट्स भी दिए हैं, जिन बेल्टों की मदद से आप जो कुछ सामान को आप स्टक कर सकते हो, इन बर्थ को जो है यहाँ पे स्टक किया, मतलब ये अगर ये खोल दोगे तो इसके बाद आप इस पे जो है बर्थ को कहीं ना कहीं टांग सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर जगह के बारे में। अब मैं आपको चले के चलता हूँ पीछे की तरफ, देखते हैं क्या सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। दोस्तों ये जो है जब हम मिसाइल लोड करते हैं तो ये हम पर्टिकुलरली इससे ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे चार लेवर दिए हुए हैं, तो चार लेवर जो है वो इस तरह से काम करते हैं। आपको अगर एक्सटेंशन करना है इसका तो डिपेंड करता है कि आपकी जो मिसाइल है वो कहाँ रखी हुई है, उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हो। अगर आप बात करोगे तो ये एक्सटेंड हो जाता है, इसको आपको जितना करना है और उसके बाद आप इसको टो कर सकते हो। दो तरीके से काम आता है कि एक तो ये नीचे से ऊपर चढ़ाने के भी काम में आता है, और काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन आप देख सकते हो कि इसमें जो मिल जाता है ओवरऑल, तो और बहुत ही क्विक है, मतलब फास्ट है। हाइड्रोलिक्स जो इसके काफ़ी एक्यूरेट और काम करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ईजी भी है इसको ऑपरेट करना। ओवरऑल हमारे मिलिट्री पर्सनल्स के लिए ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मिलती हैं। इसका ऑपरेशन यहाँ से होता है, मेरा जो हाथ दिख रहा है आपको ये ऑपरेशन वहाँ से हो रहा है, जस्ट पुटिंग इट बैक देयर। सो दैट्स हाउ इट इज, ऐसे ही जो है काम करता है, ऐसे हमारी जो मिसाइल्स हैं उनको कहीं ना कहीं टो किया जाता है। ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको दो ही चीज़ें दिखती हैं, पहले तो ओपन फ्लैट सर्फेस मिलता है, दूसरी बात यहाँ पे आपको ये वाला जो स्पेयर व्हील है ये पर्टिकुलरली हमारा GTV 6x6 का है, और यहाँ पे जो हमारी आर्टिलरी जाती है उसका स्पेयर व्हील यहाँ पे आप पाउंड कर सकते हो, और उसको लॉक अप टाइटन अप करने के लिए यहाँ पे चीज़ें हैं कि उसको आप यहाँ से इसकी मदद से टाइटन अप कर सकते हो। यहाँ पे एक लाइट दी हुई है यहाँ पीछे की तरफ ताकि आप इजीली इसको मॉनिटर कर सको किस तरह से चीज़ें हैं, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो उन चीज़ों को। यहाँ एक फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है, और ओवरऑल चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर आप बात करोगे जो कुछ हमारी मैकेनिकल चीज़ें लगी हुई हैं, अगर आप बात करोगे हमारे ऑक्सिलरी गियरबॉक्स वगैरह की, तो वो हमारा यहाँ नीचे की तरफ प्लेस होता है। यहाँ से भी काफ़ी सारे फ्लैप्स वगैरह खोल सकते हैं, मतलब हम नीचे की तरफ एक्सेस कर सकते हैं। जो पीछे की तरफ से आप कोई चीज़ें लेके जा रहे हो या कुछ भी लोड है, तो यहाँ पे एक पर्सनल बैठता है और वो प्रॉपर कम्युनिकेशन में रहता है आगे से भी। और यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है इन केस ऑफ एनी फायर, तो फायर जो है वहाँ पर एक्सटिंग्विश की जाती है, सेफ्टी नॉर्म्स हैं। और इसको कम्प्लीटली आप, मैंने बताया, कोलैप्स वगैरह कर सकते हो। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे चलती हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा सेफ सिक्योर चलता है। तो फ्रंट में जो हमारे ड्राइवर है वहाँ D+3 लोग बैठेंगे, फिर पीछे की तरफ हमारा जो है चार लोग बैठेंगे, चार ट्रूप्स, और यहाँ पे भी एक आते हैं। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो 6x6 जो हमारा GTV वो पर्टिकुलरली यहाँ से इस तरीके से चलता है। काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि हमारे पास रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। कई बार जब हम चीज़ों को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, रिएक्शन टाइम को कहीं ना कहीं क्विक करने के लिए और जल्दी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे असिस्टिव है, और वो सारी चीज़ें अच्छे से काम करती है। जो हमारी गन टो होती है यहाँ पे, चाहे फिर वो हमारी धनुष हो या फिर हमारी शारंग हो, तो यहाँ पे आप देखोगे ये इनसे बांध दिया जाता है, ये पर्टिकुलरली यहाँ पे बांध दिया। दूसरी चीज़, अब जब हमारी जो गन पीछे टो हो रही है उस पर्टिकुलर गन का अलाइनमेंट कैसा है, वो किस अलाइनमेंट के साथ में जा रही है, किस तरह से जा रही है, उस चीज़ के लिए जो है कहीं ना कहीं देखा जाता है, उस पर्टिकुलर नेविगेशन के साथ में उसको रखा जाता है। क्योंकि ड्राइवर को पीछे क्या हो रहा है उसके बारे में पता नहीं होता है, ऑल्दो हमारा रियर व्यू कैमरा है बट वो चीज़ें उतनी बेटर नहीं होती है। तो यहाँ से एक पर्टिकुलर जो पर्सन है वो ना सिर्फ उसको वॉच करता है बल्कि आगे की तरफ गाइड भी करता है कि किस तरह से वहाँ पर चीज़ें होने वाली है। पीछे की तरफ जो आप देखते हो तो यहाँ पे हमें कंट्रोल्स मिलते हैं पर्टिकुलरली हमारी गन को टो करने के लिए, जो यहाँ पे हाइड्रोलिक चीज़ें लगी गई हैं उनके लिए। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये लाइट्स हमारी, मैंने आपको बताया कि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती हैं। ये लाइट्स आपकी तब काम नहीं करेंगी जब आप इसको ब्लैकआउट मोड में चलाओगे, तब आपको सिर्फ इन लाइट्स से नेविगेशन जो है वो मिलता है। और अगर आप आगे की तरफ बात करोगे तो यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक सी है, क्योंकि जब आप इस पे गन टो करते हो तो गन के लिए जो ब्रेक्स आते हैं, मतलब गन के भी व्हील्स में ऑब्वियसली ब्रेक आएगा, तो ये गन के पार्किंग ब्रेक्स के लिए आता है। और ये जो है गन के मेन हमारे जो सर्विस ब्रेक्स होते हैं, मतलब जब जब आप इसके GTV 6x6 के ब्रेक्स लगाओगे तब वो काम करेंगे। ये हमारा विंच होता है, ये विंच दोनों तरह से काम करता है कि अगर आपको कोई और गाड़ी को भी टो करना है तो उस किसी और गाड़ी को भी निकालना है तभी निकलेगा। और अगर आप बात करोगे तो ये वाला जो पर्टिकुलर विंच है ये इस गाड़ी को भी पीछे की तरफ से अगर आपको इसको रिकवर करना है तो ये दोनों तरफ से होता है। यही वही वाला विंच है जो हमारा आगे की तरफ जाता है, तो या तो आगे आप यूज़ कर सकते हो या पीछे की तरफ यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे हमारा ये सेल्फ लॉकिंग टोइंग हुक है, तो यहाँ पे भी आपको ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हैंडी यहाँ पे चीज़ें हो जाने वाली है। इसके लिए यहाँ पे एक लाइट दी गई है, तो ये लाइट जो है पर्टिकुलरली यहाँ पे अगर आप जब भी काम कर रहे हो स्पेशली इन लाइक आपको कहीं भी लाइट नहीं मिलने वाली पीछे की तरफ, तो ये एक चीज़ है। और यहाँ पे ड्यूओमेटिक कपलिंग मिलती है, जो हमारी गन्स होती हैं तो उसके लिए यहाँ पे ड्यूओमेटिक कपलिंग मिलती है,
चैसी वगैरह देखोगे तो यहाँ पे मतलब कोई बात करने की बात ही नहीं है, बिकॉज इट्स अ डिफेंस व्हीकल, ट्राइड एंड टेस्टेड यहाँ पे चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप बात करोगे आगे की तरफ तो यहाँ पे कुछ भी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें नहीं है, बट एक जो चीज़ मुझे दिखानी है वो ये कि यहाँ पे जो लास्ट डिफरेंशियल भी हमारा है वो इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वहाँ पे 400 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और अगर आप बात करोगे तो हमारे यहाँ पे जो ब्रेक सिलेंडर्स हैं, जो हमारे एयर ब्रेक्स के चैम्बर हैं, वो भी बहुत बड़े लगाए गए हैं ताकि आपका जो ब्रेकिंग चीज़ें आए वो बहुत ही एकदम शार्प आने चाहिए और बहुत ही बढ़िया तरीके से आने चाहिए। क्योंकि ABS ब्रेक्स आते हैं, ड्यूअल लाइन सारे के सारे ब्रेक्स हैं, तो वो बहुत शानदार तरीके से वहाँ पे काम करते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा रिलायबल यहाँ पे लगती हैं कि वो किसी भी सिनेरियो में मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ भी होने वाला है। पीछे वाले डाला की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे लैडर मिल जाता है, इसको आप यहाँ से खोलोगे तो इससे डायरेक्ट क्लाइम कर सकते हो, बार बार इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो है लॉकिंग मैकेनिज्म मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको जो है तीन कहीं ना कहीं हिंजेस मिल जाते हैं जिस पर ये होता है, और आप चाहो तो इसको कम्प्लीटली निकाल भी सकते हो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही जो है वो लैच यहाँ पे मिलता है आपको। ओवरऑल बात करोगे तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें आप डाल सकते हो, आपकी ऑक्सेसरीज वगैरह है तो वो डाल सकते हो। और अगर आगे की तरफ आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको जो मैंने आगे की तरफ बताया था वही वाले टायर्स मिलते हैं, 14-20 के ही टायर यहाँ पे मिलते हैं, काफ़ी बड़े हैं। सारे के सारे टायरों में जो है आप ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट कर सकते हो, डिफ्लेट कर सकते हो अंदर लगे हुए सिस्टम से, मैनुअली और नॉन मैनुअली। जब हम डिफेंस व्हीकल्स को डिज़ाइन करते हैं तो पता नहीं क्या क्या ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, कुछ छोटे छोटे डेवलपमेंट्स होते हैं जो हमारा दिल जीत लेते हैं। एक वो ऐसा ही डेवलपमेंट यहाँ पे कि अभी हमने क्या देखा कि अगर हमें यहाँ पे कोई बड़ा लोड करना है, साइड से लोड करना है या बड़ी कोई चीज़ें हैं तो हम इसको हटा सकते हैं, बट अगर हमें इसको एक्सटेंड करना है मतलब इसका जो ओवरऑल विड्थ बढ़ाना है तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे जो पर्टिकुलर एक बार्स मिलते हैं इन बार्स पे आप इसको फोल्ड कर सकते हो। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो आपका जो फ्लैट बेड है वो कहीं ना कहीं बड़ा हो जाता है, तो ओवरऑल अगर आपका फ्लैट बेड बड़ा हो जाएगा तो ये आपके लिए और ज़्यादा यूज़ में आ सकता है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का जो एडिशन किया गया, अभी टाइम इतना लिमिटेड है और चूंकि हमारे पास नॉलेज इतनी लिमिटेड है कि हम इसको पूरा नहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे 350 डीजल टैंक मिलता है और ये जो है आपको स्टील का डीजल टैंक आता है ओवरऑल, यहाँ से आप डीजल भर सकते हो। ये जो है आपका विंच का जो कंट्रोल होता है वो यहाँ से ऑपरेट होती है, तो चाहे फ्रंट की हो जाए या फिर बैक की विंच हो जाए वो दोनों तरफ यहाँ से ही एक्चुएट होती है। यहाँ पे आपको जो है प्रेशर दिखेगा कि कितना जो है प्रेशर आपका कहीं ना कहीं बार पे लग रहा है, विंच के ऊपर कितना प्रेशर है जिस चीज़ को आप टो कर रहे हो, तो कहीं प्रेशर एग्जिट तो नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें। दो ब्रैकेट्स के ऊपर ये डीजल टैंक है। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे चढ़ने के लिए मतलब केबिन टू में चढ़ने के लिए क्रू के लिए यहाँ पे तीन लैडर मिलते हैं, काफ़ी ईजिली चढ़ सकते हो। और यहाँ पे हैंडल्स वगैरह भी ईजिली मिलते हैं, मतलब कि आप आर्टिलरी लेके आपकी एम्यूनेशन लेके आप जब चढ़ोगे तो ईजिली चढ़ोगे, और आप जब इसको लोड भी करते हो, सामान को भी लोड करते हो इसके अंदर, तो आसानी से कर सकते हो क्योंकि जो गेट की चौड़ाई है वो अगर मान लो कि बर्थ को ज़्यादा बड़ा कर दिया या फिर इस चीज़ों को ज़्यादा लेके आएंगे तो यहाँ बीच में हमारे सामान रखने की स्पेस जो है वो लिमिट होता है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा सामान रखने का स्पेस जो है वो लिमिट नहीं होता है, तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ है। यहाँ एक छोटा सा टूल बॉक्स जो है वो दिया हुआ है, इसमें भी अगर अंदर की तरफ देखोगे तो बहुत ही स्मार्टली अंदर की तरफ कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, तो एक दो तीन कंपार्टमेंट मिलते हैं। अगर आपको जैक रखना है, जैक के साथ में कुछ आपके रेंचेस हैं, कुछ आपको पाने रखने हैं, कुछ आपके स्क्रू ड्राइवर्स हैं, तो सारी चीज़ों को आप अलग अलग सेपरेट आउट करके रख सकते हो, वो एक चीज़ काफ़ी बढ़िया। नीचे की तरफ पानी अगर इसमें चला जाता है बाई मिस्टेक, अगर बहुत ज़्यादा आप एक्सट्रीम वेदर में चला रहे हो तो पानी वगैरह भी चला गया, तो उस चीज़ के लिए भी आपको वहाँ चीज़ें मिलती हैं कि आपका पानी वगैरह भी नीचे से निकल जाएगा। ये गाड़ी का एग्जॉस्ट लगा हुआ है। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रेडिएटर फ्लूड मिल जाएगा, पीछे की तरफ काफ़ी बड़ा सा जो है कहीं ना कहीं हमारा हाइड्रोलिक टैंक लगा हुआ है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो अगर आपको क्रेन का ऑपरेशन करना है तो आप लेवर को इस तरफ रखोगे तो ये दोनों के लिए काम करता है, मतलब ये जो हमारा PTO से हाइड्रोलिक ऑयल ड्रिवन होता है, तो ये हाइड्रोलिक ऑयल अगर आपको कहीं ना कहीं अगर बात करनी है विंच के लिए तो विंच के लिए आप करोगे तो इस तरह से जाओगे तो विंच के लिए चले जाओगे, और अगर इस तरह से जाओगे तो आप पीछे वाली जो हमारी क्रेन लगी हुई है उसको ऑपरेट कर पाओगे। दैट्स ऑल इट। अभी अगर यहाँ पे बात करोगे तो आगे की तरफ पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि मेरे थोड़े से फेवरेट है, थोड़ी कंफर्टेबल चीज़ों को बनाते हैं। पीछे की तरफ हमने देखा कि बोगी सस्पेंशन ही मिलते हैं। इन सारे व्हील्स में आप ये इसलिए देख रहे हो क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सिस्टम लगा हुआ है जिससे कि हम गाड़ी के टायर्स को फ्लेट और डिफ्लेट, इन्फ्लेट और डिफ्लेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स वगैरह मिलते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट व्हीकल जो है वो आपका बैटलफील्ड में नहीं जाएगा और बैटलफील्ड से थोड़े से दूर रहता है, तो इसमें कोई वैसे वाले प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको जो है कोई पर्टिकुलर अलग फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। बेसिकली हम इसको गन टो करने के लिए यूज़ होते हैं, तो उस हिसाब से सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया, चाहे फिर वो आपके सोल्जर्स के पीने के लिए पानी का टैंक हो या फिर आपके ऊपर वाले जो हमारे कहीं ना कहीं निकलने के लिए कैनोपी हो, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान दिया गया और वो सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया गया। अब हम चलते हैं केबिन के अंदर, दिखाते हैं आपको क्या सारी चीज़ें केबिन के अंदर। उससे पहले दिखा देते हैं कि ड्राइवर के जो डोर हैंडल्स हैं वो वर्टिकल हैं और काफ़ी बढ़िया हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि एक्चुएशन वगैरह होते एकदम स्मूथ ऑपरेशन यहाँ पे हैं, काफ़ी ईजी होता है, स्पेशली इनसे जो चढ़ना है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, आप एक बार में जो केबिन में पहुँच जाते हो। बट याद रखो कि आप 14-20 के टायर पे बैठे हो, 14-20 के टायर पे अगर आप बैठे हो तो आप काफ़ी ऊपर जाओगे, स्पेशली अगर पैराबोलिक सस्पेंशन वगैरह यहाँ लगा रखें तो बहुत ही ज़्यादा आपकी सीटिंग जो है वो हाई होने वाली, मतलब बहुत कमांडिंग व्यू मिलेगा। एक यहाँ पे जो है आपको टूल बॉक्स और मिलेगा, हमने वहाँ टूल बॉक्स देखा, दोनों तरफ मिलता है, मतलब जो अंडर बेड हमारी अंडर बंक स्टोरेज मिलती है वो हमें सीधे यहाँ से एक्सेस होती है, तो हम यहाँ से भी जो है चीज़ों को रख सकते हैं। अच्छी बात ये कि इसको आप यहाँ से ना सिर्फ होल्ड कर सकते हो
बल्कि शानदार चीज़ ये है कि आप इसको, ये बाहर से कहीं अनलॉक नहीं होता है, मतलब इसको लॉक और अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। जब इसको पुश कर दोगे ये लॉक हो जाएगा और यहाँ से जो है इसका लैच आप जब भी रिमूव करोगे तो ये खुल जाता है। अब ये लग गया, जब मैं इसको लैच को खोलूँगा तो ये खुल जाएगा। तो ये पर्टिकुलरली आपका एक सेफ हो जाता है कि बाहर से ताला वाला चाबी वगैरह कोई अलग से कैरी करने की जरूरत नहीं है, अंदर से ही चीज़ें हो जाती हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं GTV 6x6 के केबिन के अंदर। अगर आप बात करोगे GTV 6x6 के केबिन के अंदर तो बहुत ही बेसिक बट कमाल की चीज़ें मिलती हैं। दोस्तों कमाल की चीज़ें क्यों मिलती हैं कि देखो, पहले तो आपको स्टेयरिंग व्हील जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर सा मिलेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको देखा हुआ लगेगा। अशोक लेलैंड का बढ़िया सा लोगो है, टच वर्च फील व्हील इसका बढ़िया है। और अगर बात करो तो ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरह से होता है, यानी कि टिल्ट भी हो जाता है और ये टेलीस्कोपिक मतलब अंदर बाहर भी हो जाता है। यहाँ आपको सामने की तरफ सिर्फ हेडलाइट लेबलिंग का स्विच मिलता है और कोई कन्फ्यूजिंग एलिमेंट्स नहीं है, कोई चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। अब हमें तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पहला है हमें ब्लैकआउट होने की, यानी कि लाइट्स का कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है हमारा डिफरेंशियल लॉक, यानी कि अगर गाड़ी फंस जाती है तो हमें वो डिफरेंशियल लॉक हैंडी होना चाहिए। तो वो दोनों चीज़ें यहाँ मिलती हैं, यहाँ से आपको हाई और लो के लिए सेटिंग्स मिल जाती है। यहाँ से आपको डिफरेंशियल के लिए कौन सा एक्सल लॉक करना है, इंटर एक्सल लॉक डिफरेंशियल करना है या किस तरीके से लॉक करना है, वो सारी चीज़ें मिलती है। नीचे की तरफ साइड में पैरों की तरफ कुछ नहीं दिया हुआ है आपके डिस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ से आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ से आपको लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं, यानी कि जो मेन आपकी हेडलाइट्स लगी हुई हैं उनके कंट्रोल्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें। अब अगर आप बात करोगे, यहाँ पे सीट बेल्ट वगैरह मिल जाता है। सीट का जो मूवमेंट है वो भी आप इजीली कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। अगर आप बात करो सीट को जो है पीछे की तरफ भी आप इजीली जा सकते हो, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ आपको एक पीछे की तरफ रियर व्यू कैमरा मिल जाता है, ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, इसको मैं दिखाऊंगा आपको चलते हुए, और काफ़ी अच्छे से जो है काम करता है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो HVAC मिलता है, यानी कि हीटिंग वेंटिलेशन मिलती है, यानी कि गर्मी में ठंडा और ठंडे में गर्म दोनों तरह से आप इसको चला सकते हो, कर सकते हो, दोनों तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ें। अब आप पूछोगे भाई गाड़ी के बटन्स कहाँ हैं, गाड़ी में सारे बटन्स थे वो कहाँ चले गए, तो गाड़ी के सारे बटन्स यहाँ हैं, वो मैं आपको यहाँ से बता दूंगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो ये आपका बैटरी सेपरेटर है, कि अगर आपको कोई दूसरी गाड़ी आपकी है जिसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है या दूसरी गाड़ी की बैटरी से इसकी बैटरी चार्ज करनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बात करो तो लो ऑयल प्रेशर के लिए वार्निंग आपकी यहाँ पे आती है, ये सारी चीज़ें। अब गाड़ी में यहाँ एक बहुत ही सिंपल सा और अमेजिंग सा मैकेनिज्म लगा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये गाड़ी जो है डिफ्लेट कर सकती है और पूरी तरीके से इन्फ्लेट भी कर सकती है। तो दो मोड में ये आता है, ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में आता है। लो एयर प्रेशर अगर होगा तो दिखाएगा, पंचर होगा तो दिखाएगा, ओवर स्पीड में चल रहे हो तो भी दिखाएगा, कितने PSI अभी प्रेशर है वो दिखाएगा। इसके अलावा आपका यहाँ पे हाईवे पे जा सकते हो, तो हाईवे पे अगर आप गाँव के रस्तों पे कच्चे रस्तों पे चल रहे हो तो वो दिखाएगा, सैंड मड या स्नो में चल रहे हो तो वो दिखाएगा, इमरजेंसी आ जाएगी तो वो दिखाएगा, लोड वगैरह अगर आप लेके चल रहे हो कोई टोइंग वगैरह है तो वो दिखाएगा, और अगर आपको प्रेशर चेक करने जरूरत है उसके बाद भी तो वो सारी चीज़ें दिखाता है। तो ऑक्सीलरी से चार्जिंग वगैरह करने के लिए कोई चीज़ें हैं तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे आप उसको इंसर्ट करवा सकते हो। ये आपका OBD पोर्ट मिलता है, यानी कि ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम जो है वो आपका यहाँ से होने वाला है, तो ये ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम के लिए है। यहाँ से आपको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस टाइप से मिलता है, जो कि थोड़ा सा डीप है, आप देखोगे तो ये थोड़ा सा गहराई वाला मिलता है। ओवरऑल डैशबोर्ड आपको देखेगा, वेव फ्रंट डिज़ाइन देखेगी, ये पूरा का पूरा वेव फ्रंट डिज़ाइन है, डुअल टोन है, थोड़ा सा जो है यहाँ पे लाइट कलर किया गया, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर है, वो सारी चीज़ें। ओवरऑल यहाँ से अच्छा लगता है, फिट फिनिश अच्छा लगता है। विंडोज़ मैनुअली मिलती है, यहाँ से आप विंडोज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो। गेट खोलने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो बढ़िया है। यहाँ से अगर आप बात करोगे रियर व्यू लैंप मिरर्स वगैरह की, वो सारी चीज़ें बढ़िया है। ऊपर की तरफ काफ़ी सारी चीज़ें माउंट कर सकते हो, यहाँ भी आपको सामान वगैरह रखने के लिए जगह मिलती है। गियरबॉक्स की बात करें तो आपको यहाँ पे 8 स्पीड का गियरबॉक्स मिल जाता है, और यहाँ पे आपको लो हाई वाले सेटिंग्स मिल रहे हैं, तो ये 8 स्पीड का गियरबॉक्स है, 4 लो और 4 हाई रेंज के गियर्स जो है वहाँ पे मिलते हैं। यहाँ आपको हैंड ब्रेक का प्लेसमेंट मिल जाएगा, ये आपको हेडलाइट लेबलिंग मिल जाती है, यहाँ आपको स्पीड दिखती है, यहाँ आपको RPM दिख जाते हैं, ये आपको अलग अलग मोड्स के लिए कि ट्रिप वगैरह देखनी है, आपको डेट वगैरह देखनी है, टाइम वगैरह क्या हो रहा है, ट्रिप है ट्रिप वीकली मिल जाएगा, टोटल बैटरी वगैरह का करंट वगैरह दिखा देता है, ये सारा चीज़ें दिखा देता है, टोटल कितना जो किलोमीटर वगैरह गाड़ी चली है वो सारी चीज़ें दिखा देगा। यहाँ पे कितने बार का प्रेशर है, 12 बार तक इसलिए दिया क्योंकि इनका 12x12 भी आता है, तो उसके हिसाब से 12 बार का प्रेशर ही वहाँ पे लगेगा, क्योंकि इतने पहियों में लगाने हैं ब्रेक्स तो 12 बार ही लगाओगे। यहाँ पे आपको बाकी सारी वार्निंग्स दिखती हैं, इसके बारे में डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। जब आप को पैसेंजर साइड के तरफ आते हो GTV में गन टोइंग व्हीकल में, तो यहाँ पे आपको एक फ़ोन मिलता है, ये फ़ोन बेसिकली पीछे वाले कैब में लोगों से बात करने के लिए, बट इससे मैं आपसे भी बात कर सकता हूँ। कैसे बात कर सकता हूँ, चलो मजाक की बात है बाद में। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो कर देना। बाकी ये पर्टिकुलर फोन है जो पीछे काम करता है, यानी कि पीछे आप बात कर सकते हो, यहाँ से आसपास में बात कर सकते हो। ये पर्टिकुलर चीज़ अगर इनको कुछ और भी चीज़ें माउंट करनी होती हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे माउंट करने के लिए हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ जो है कि जो लोग सनरूफ के बहुत दीवाने होते हैं उनके लिए यहाँ से एक रूफ हैच दिया हुआ है, जिसको मैं भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ से आप ओवरऑल जाके भी चीज़ों को देख सकते हो। तो भाई ये है हमारा सनरूफ, या फिर कहो तो लैच, ऐसे ड्राइवर के लिए भी मिल सकता है, ऑप्शनल है, बहुत ही ईजी है यहाँ से बनवाना। ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो पीछे के भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा, तो यहाँ से जो है ओवरऑल जा सकते हो पीछे की तरफ, तो वहाँ आपको एक गन माउंट भी मिलता है, आप इसमें प्रॉपर गन माउंट करने के बाद गन्स को जो है वहाँ से फायर कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें भी जो है यहाँ से आपको दिख जाएंगी।
ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो यहाँ से क्या एक्सपीरियंस है, तो भाई इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, फिंटास्टिक एंड जस्ट अ सिंगल वर्ड, फिनोमिनल। चलो चलते हैं नीचे की तरफ, करते हैं ड्राइव, कैसा होता है चलने में। चलो बाय बाय, अभी हमने जंग जीत लिया है, कारगिल हमारा है। सीट जो है आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिलती है, पूरी तरीके से आपकी फ्लेक्सिबल है, एडजस्टेबल है। यहाँ पे भी आपको एक ग्लो बॉक्स मिलता है जो कि पूरी तरीके से लॉकेबल है। यहाँ पे एयर वेंट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस है, इसको कम्प्लीटली इन्होंने स्क्रैच प्रूफ किया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट एड किट मिल जाती है, इसको आप वेट के हिसाब से सस्पेंड कर सकते हो। सीट बेल्ट्स वगैरह, सीट माउंटेड मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, जो मुझे काफ़ी पसंद आता है। स्पेशली हाई रोलिंग व्हीकल्स में हाई सीट करते हो आप तो गाड़ी का बॉडी रोल बहुत ज़्यादा होता है। उस चीज़ के हिसाब से साइड व्यू मिरर है, रियर व्यू मिरर है, वाइड एंगल मिरर है पीछे देखने के लिए। और पीछे की तरफ जो बर्थ दी हुई है वो काफ़ी बढ़िया दी हुई है, यहाँ पे आप सो सकते हो। बर्थ आप 1+1 कर सकते हो, मतलब ये इस पर आप सो रहे हो, इसके ऊपर कर सकते हो। इसके नीचे का जो स्टोरेज है वो मैंने आपको बाहर से दिखाया था, वो सारी चीज़ें। पीछे छोटा सा आपको एक विंडो मिलता है, यहाँ से आप पीछे की तरफ शीशे में देख सकते हो, तो वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पे हैं। ओवरऑल यहाँ पे एक सिंगल आपको लाइट मिलती है जो कि ऑपरेट करती है, वहाँ से जब आप उसका स्विच ऑन करोगे तो उसके बाद में आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। ये सारी चेंज है, और यहाँ ऊपर की तरफ कंपार्टमेंट्स मिलते हैं जिसमें आप सामान रख सकते हो। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं पर्टिकुलरली इस गाड़ी के बारे में। ऊपर से अब हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे गाड़ी को चलाते हुए, तो चलिए लेके चलते हैं इस गाड़ी को एक छोटी सी राइड के ऊपर। दोस्तों ये सारी बातें थी हमारी GTV 6 Cross 6 के बारे में, गन टोइंग व्हीकल के बारे में, एक्सक्लूसिवली हमें चलाने मिला। थैंक यू टू एवरीवन हु वाज इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट।
everyone who was involved in this project. हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है इसको चला के. इसको चलाने का एक different feeling है, different experience है, बहुत ही proud feeling है. Especially अगर बात करें Indian Army की, हमारे Armed Forces की, तो वहाँ पे अगर कुछ ऐसी चीज़ उनको मिलती है जो कि इंडिया में बनी है, तो कभी पार्ट्स की दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी. हम लोग यहाँ इंडिया में इंडिया की चीज़ें बना रहे हैं, इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है कि हमें बाहर से कुछ चीज़ इंपोर्ट नहीं करनी पड़ रही है. तो दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग ऑल टुगेदर. साथ ही साथ में अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने हैं तो बिहाइंड द व्हील को सब्सक्राइब कर लीजिए. और आपको 15 अगस्त की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज़ादी के जश्न की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. ये था हमारा 15 अगस्त पे वेरी स्पेशल कंटेंट.